मोदे अग्निपथ, तो इस अग्निपथ योजना सुनो ना, आप पहले कृषि मंत्री जी पता करो पूरा, अग्निपथ योजना है, अग्निवीर उसके अंदर जाते हैं, उनको कहता है जाके समझ जाओ। अब की बार 237 पाए, अब की बार 130-135 पाए जाओगे, जब 5 साल सुना होगा, धीरे धीरे घट रहे हो। 400 पार का नारा दिया था, नहीं पहुंच पाए। पढ़ ले आप, सुनो, पहले पढ़ाई करो, तैयारी करो, सिवाय मोदी जी के नारे लगाने के कुछ नहीं करते आप लोग। मोदी जी ही करते, पढ़ा करो। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पक्ष विपक्ष के बहुत से विद्वान सदस्यों ने अपनी बात रखी और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आज से लोकसभा सुचारू रूप से चालू हो गई। देश की जनता, जब पार्लियामेंट चलती है तो देश का नौजवान, किसान, तमाम वर्ग ये उम्मीद करता है कि लोकसभा चलेगी और हमारे मुद्दे वहाँ उठाए जाएंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और उनका समाधान होगा। सौदी मोदे, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो हमने देखा, स्कूली बच्चों को जिस तरह कहानी सुनाया करते थे, इसमें मुझे कोई विजन नज़र नहीं आ रहा है। बस ये अभिभाषण के पक्ष में जो कसीदे पढ़े जा रहे थे, सही बोला। मेरे हिसाब से तो दो बार आप सत्ता के अंदर रहे और दो बार सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार जब आपको आधा अधूरा जनादेश मिला और उसके बावजूद इस तरह का अभिभाषण होता, तो ये क्या आप इस अभिभाषण के अंदर जब आपके कई हारे हुए माननीय जो सांसद चुनाव हार गए, तो उन्होंने ये कहा था कि अग्निपथ योजना की वजह से हम चुनाव हारे। मेरे राजस्थान के अंदर भी 3 भारतीय जनता पार्टी के हारे उम्मीदवारों ने बात कही थी। समझ मोदे अग्निपथ, जो इस अग्निपथ योजना, सुनो मेरी, आप पहले कृषि मंत्री जी पता करो पूरा, अग्निपथ योजना है, अग्निवीर उसके अंदर जाते हैं, उनको कहते हैं। तो अग्निपथ जो योजना है ये लेके आए और उसका विरोध हमने पहले दिन से किया। ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी और देश का नौजवान कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि सेना के अंदर जो सम्मान पहले मिलता था, हमारे गांव के गांव जब सेना के अंदर कोई जाता तो गांव के अंदर बड़ा धूम धड़ाके स्वागत होता, मेरा बेटा सेना के अंदर गया। हम पंजाब से, हमारे सामने बैठे हैं मंत्री जी, बिट्टू जी, ये लोग यहाँ बैठे हैं, तो ये चूरू वाले एमपी साहब, सेना के अंदर जाने का मतलब रोजगार के लिए नहीं, वो गौरवान्वित महसूस करता कि मैं सेना के अंदर गया। और उसका पिताजी गांव की चौपाल में कहते हैं मेरा बेटा सेना के अंदर गया। ये बड़ी बड़ी शहादत 62-65-71 कारगिल की लड़ाइयों के अंदर हमारे नौजवानों ने दी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जितने अलग अलग रेजिमेंट जो हमारी बनी सेना के अंदर, वो रेजिमेंट का एक अलग नारा होता है और वो रेजिमेंट किस तरह लड़ाई लड़ती है। लेकिन इस अग्निवीर जो योजना, अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीर जो भर्ती किए और जिस तरह अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, अग्निवीर अगर लड़ते हुए शहीद हो जाता तो उसको सही सरकार नहीं मानती। जैसा रक्षा मंत्री जी कहते कि 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता साहब। लोग वहाँ लड़ने के लिए 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं। हमारी सेना जो वर्ल्ड के अंदर सबसे मजबूत थल सेना के रूप में इंडियन सेना को माना गया, तो मेरी ये मांग रहेगी कि अग्निपथ जो योजना अग्निवीर है इसको खत्म करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियाँ इस देश के अंदर कराई जाए, जिससे सेना का सम्मान लौटे और किसान के बेटे सेना के अंदर जाना चाहे। हमारे यहाँ सेना भर्ती रैलियों में लोग गए ही नहीं अग्निवीर वाले के अंदर, लोगों ने बहिष्कार कर दिया, इनके चूरू के अंदर बहिष्कार कर दिया, सीकर के अंदर कर दिया, हरियाणा के अंदर कर दिया, ये आपके आर्मी के हमारे बेटे एमपी साहब। तो हम चाहते हैं कि भारत का सम्मान कैसे बढ़े। हो सकता है चूक हो गई आप लोगों से, किसान आंदोलन में भी चूक हो गई थी, आप माने नहीं, 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद आपने बिल वापस लिए, ये भी बड़ी चूक है। और अगर आप चाहते हो कि हरियाणा आपके हाथ से नहीं जाए, महाराष्ट्र आपके हाथ से नहीं, समय जाके समझ जाओ। अब की बार 237 पाए, अब की बार 130-135 पाए जाओगे, जब 5 साल चुनाव होगा, धीरे धीरे घट रहे हो। 400 पार का नारा दिया था, नहीं पहुंच पाए। राजस्थान के हमारे मंत्री जी बैठे थे, हमने 2 मंत्री राजस्थान के अंदर, मेरे को कह रहे थे पिछली बार कि हमारी वजह से आप आ गए, ये पिछली बार कर लो, मैं तो फिर आ गया वापिस।
आगे 8, 10, 15, 10, 12, 7 आए, 3-4 आपके मार्जिन पे बॉर्डर पे रहे थे सब, आप तो मेरी कीजिएगा प्लीज। समझ महोदय, एक समझ महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि इस अग्निवीर अग्निपथ योजना को समाप्त करके, और एक उस समय जब अग्निपथ योजना लाए थे तो रुकिए भाई एक मिनट प्लीज मूवी अलग है, इस योजना का नाम पढ़ ले आप, सुनो पहले पढ़ाई करो, तैयारी करो, ठीक है, सिवाय मोदी जी के नारे लगाने के कुछ नहीं करते आप लोग, मोदी जी करते, पढ़ा करो तो ये मेरा समझ मोदे, एक उस समय क्या हुआ था कि जब योजना प्लीज, उस समय आप कंक्लूड कीजिएगा, एक मिनट साहब, पूर्व में सेनापति जो रैलियां होती थी उसमें हमारे बच्चों ने जो फिजिकल थल सेना आपकी, रुकिए साहब क्यों बोल रहे हैं, थल सेना, वायुसेना और आपकी नेवी, यू इन तीनों के अंदर फिजिकल हो गया और बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए, उनकी भी भर्ती नहीं कर रहे हो, उनकी भर्ती की जाए, तो मेरी ये मांग रही है कि शपथ में अग्निवीर अग्निपथ को समाप्त करके और नए सिरे से सेना के सम्मान के अंदर, बहुत चिंतित है पूरा देश और आप, आपके अंदर भी इस बात को लेकर हलचल है निश्चित रूप से, जब इस बार चोट वोट की चोट लगी है तो आपके भी थोड़ी बहुत, श्री सुदामा दो मिनट बोल रहे साहब, आप एक बार शपथ मोदी, दो मिनट बात तो समाप्त करो मेरी, आप तो दो ही मिनट में करा दिया, श्री सुदामा प्रसाद शपथ मोदी, दो मिनट सबको दिया आपने, दो मिनट समाचार पत्रों में असंगठित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों को पढ़ रहा था, विगत 7 सालों में 18 लाख उद्योग बंद हो गए, 54 लाख लोगों को नौकरी खोनी पड़ी, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी इसका कारण प्रमुख कारण है, लेकिन अभिभाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं, समझ महोदय, युवा आत्महत्या कर रहा है और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति देश के लिए चिंता का विषय, सिंथेटिक नशा पंजाब हरियाणा राजस्थान MDMA LSD इस पे कैसे रोकथाम हो, ये हम सब के लिए चिंता का विषय, सबको इस पे विचार करना चाहिए, नीट की बात चली, हम भी चाहते हैं कि नीट के अंदर एक दिन की चर्चा होनी चाहिए।